Do subscribe to IKIDA channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. So first मैं statement लिखूंगा. Statement लिखने के बाद में उसको explain करूंगा. Then हम लोग एक question लेंगे और उसे solve करेंगे. So let's do it. फैक्टर थ्योरम. ओके, सो फैक्टर थ्योरम इज ए स्पेशल. सॉरी, लिखते हुए ना सर, आपको बोलना नहीं है. अच्छा, तो बाद में बोलना सामने. ओके, ठीक है, चलो. जैसा कि आपने देखा, मैंने स्टेटमेंट लिखा. स्टेटमेंट फैक्टर थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. ओके, सी, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के क्यू एक्स प्लस आर. जैसा कि हमने देखा, एंड एफ ऑफ के वॉज द रिमाइंडर इन रिमाइंडर थ्योरम. ओके, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के क्यू एक्स प्लस एफ के. वेन एफ के इज जीरो, then what happens with the equation fx equals to x minus k qx. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x minus k completely divide कर रहा है fx को. So therefore fx is exactly divisible by x minus k. So ये है factor theorem का statement. Okay, factor theorem के statement में हमने देखा कि कैसे factor theorem works करता है. चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे फैक्टर थ्योरम वर्क करता है. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस एग्जांपल ऑन दिस पेपर. सी, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज अ फैक्टर ऑफ टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस वन. Find the value of a and b. So here I'm going to solve this problem using factor theorem. Okay, so let's do it. So in problem, given that this is the factor, so I'm going to write this in linear factor. So that is x plus 3, x minus 2. Now, I'm going to write this expression. Let fx equals to 2x power 4 plus x cube minus ax square plus bx plus a plus b minus 1. Since x plus 3 and x minus 2 is the one factor of this expression. Okay, so after comparing with the linear factor, आप हिंदी में ले रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो हिंदी में. ओके, बच्चे लोगों को समझ में आएगा. आपको कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ? उधर से स्टार्ट करना है, जहाँ बोला है मैंने. ओके, ठीक ठीक, स्टार्ट. सो x plus 3, x minus 2 लीनियर फैक्टर से कंपेयर करेंगे इसको, जो कि हमारा x माइनस k था. सो और वो वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे. सो दैट विल बी f ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 पावर 4 प्लस माइनस 3 क्यूब माइनस a
माइनस थ्री स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस थ्री प्लस ए प्लस बी माइनस वन। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 134 माइनस 8a माइनस 2b इक्वल्स टू जीरो। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4a प्लस बी इक्वल्स टू 67। इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर वन। अगेन हमारे पास दूसरा लीनियर फैक्टर है x माइनस टू, कंपेयर करेंगे लीनियर फैक्टर x माइनस के से तो हमें मिलेगा k की वैल्यू 2। वो वैल्यू हम वापस इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। सो अगेन f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रेज टू 4 प्लस 2 क्यूब माइनस a 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस a प्लस बी माइनस वन। हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 39 माइनस 3a प्लस 3b इक्वल्स टू जीरो। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 13। कंसीडर करते हैं ये क्वेश्चन नंबर टू है। अब हम इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ओके सो नेक्स्ट सो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, हमारे पास क्या है, वी हैव 4a plus b equals to 67, a minus b equals to 13, adding both equation, हमारे पास 5a equals to 80, so a equals to 16। अब a की value हम किसी एक equation में रखेंगे, so replacing value of a in equation 2, so 16 minus b equals to 13, so b equals to 3, therefore a is equals to 16 and b equals to 3। I hope you guys enjoy this video और आपने बहुत कुछ सीखा होगा factor theorem के बारे में। Thank you।